हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ पोहा की रेसिपी, जो कि एकदम खिला खिला बनेगा और जल्दी से बनके तैयार हो जाएगा। खाने में इतना टेस्टी लगेगा, बच्चे हो या बड़े, सभी बड़े शौक से खाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी पोहा ले लिया है। पोहा भी कितने तरीके का आता है, तो आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। तो मैंने इस तरीके का पोहा लिया है, इसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। देखिए, मैंने इसे पानी से अच्छे से धो लिया है। ज़्यादा देर तक हमें इसे पानी में नहीं रखना है। अभी मैं इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड करूँगी। चीनी ऐड करने से पोहा आपस में चिपकेगा नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसे हम रेस्ट पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याज ले ली है, उसे बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्ची ली हैं और धनिया पत्ती, नींबू, और मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर लिए हैं और स्वीट कॉर्न ले लिए हैं थोड़े से, और यहाँ पे ले लिया है मैंने मूंगफली। और बाकी की सामग्री हम रेसिपी बनाते टाइम देख लेंगे। तो अभी बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। तो कढ़ाई पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें मूंगफली को फ्राई करेंगे। मूंगफली डाल देंगे तेल में और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मूंगफली भी फ्राई हो गई है, निकाल देते हैं इसे अभी। अभी मैं इसमें फ्राई करूंगी 1 आलू को, मैंने बारीक काट लिया है। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी यहाँ पे डाल सकते हैं, पोहा को और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। देखिए, आलू भी फ्राई हो गया है, अभी इसे निकाल लेंगे। तो उसी ऑयल में मैंने डाला है 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच के बराबर डाला है मैंने यहाँ पे राई। इसे चटकने देंगे, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता का स्वाद तो बहुत अच्छा आता है पोहा में, ज़रूर डालिएगा। हरी मिर्ची डाल देंगे और थोड़ी देर हम इसे भून लेंगे। ये भी भून गया है, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा प्याज और प्याज को भी हम भून लेंगे। गोल्डन ब्राउन हमें इसे नहीं करना है, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तब तक हमें इसे भून लेना है। सारी चीज़ें भून के अच्छे से तैयार है, तो अभी इसमें मटर डाल देंगे और इसी के साथ ही हम इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको। आधा चम्मच के बराबर मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले पोहा में भी डाला हुआ है तो यहाँ नमक मैंने कम डाला है। मिक्स कर लेंगे इसे और इसे हम ढक्कन लगाकर अच्छे से पका लेंगे। आप चाहो तो इसे उबाल के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पकाने पर इसका जो टेस्ट आता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये देखिए, अच्छे से ये पक गया है, मटर भी और स्वीट कॉर्न भी भुन गए हैं अच्छे से। तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी पोहा। देखिए, चीनी डालने की वजह से पोहा आपस में बिल्कुल नहीं चिपका है, एकदम खिला खिला है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। इसी के साथ ही मैं इसमें फ्राई की हुई मूंगफली डाल दूंगी और जो आलू को फ्राई किया था वो भी इसी में डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, सभी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं और अभी यहाँ पे डाल देंगे हम नींबू का रस। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, अच्छे से मिला लेंगे। पोहा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप चाहो तो इसमें आलू की भुजिया भी ऊपर से डाल सकते हैं, उसे भी ये बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल कम मसालों में हेल्दी रेसिपी बनके तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।